अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पानीपत में हमेशा सुर्खियों में रहने वाली शहरी विधायिका रोहिता रिवाड़ी के पति सुरेंद्र रिवाड़ी लड़की व पैसे मांगने का ऑडियो वायरल से माहौल गर्म हो चुका है। शहर की राजनीति में भूचाल लाने वाली खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, अपने कान और आंखें खोल के सुनना। शहरी विधायक के पति सुरेंद्र रिवाड़ी और उनके पीए सरबजीत की एक के बाद एक ऑडियो वायरल हुई है, जिसमें सुरेंद्र रिवाड़ी गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ऑडियो कई दिन पहले का है और ये ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में इतने गलत शब्द यूज किए गए हैं कि हम अपने दर्शकों को सुनवा नहीं सकते। सरबजीत की भी ऑडियो सुनवाएंगे, जिसमें सरबजीत पैसे की डिमांड कर रहे हैं। इस मामले में सुरेंद्र रिवाड़ी ने कहा कि यह उनकी छवि को धूमली करने की साजिश है। पानीपत में वायरल वीडियो लगातार सुर्खियों में बनने लगी है। ऑडियो में सरबजीत अपने नेता को कह रहे हैं कि वो लड़की गलत है। सरबजीत अपने नेता से पूछ रहे हैं कि किसको फंसाना है और किसको छुड़ाना है। सरबजीत का ये चेहरा जो आज से पहले आपने ना कभी देखा होगा और ना ही सुना होगा। अगली ऑडियो को सुनाने से पहले आपको मामला समझा देते हैं। दरअसल शहरी विधायिका रोहिता रिवाड़ी के पति व बीजेपी नेता सुरेंद्र रिवाड़ी के कभी करीबी माने जाने वाले तरुण चुग के खिलाफ पानीपत सिटी थाना में मई महीने में एक महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाकर मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में तरुण सुरेंद्र रिवाड़ी से पैसे की मदद मांग रहा था। रिवाड़ी ने सरबजीत की ड्यूटी लगाई थी कि मामला देखें। ऑडियो में तरुण यह भी कह रहा है कि उसने पैसे की मदद मांगी थी, लेकिन उल्टा उसे ही फंसा दिया गया। जब तरुण सुरेंद्र से पैसे की मांग कर रहा था, तब रिवाड़ी उनसे लड़की की डिमांड करने लगे और कहने लगे कि पहले हमारा मनोरंजन कराओ। सरबजीत की अगली वीडियो, जिसमें सरबजीत तरुण से कह रहा है कि पैसे का इंतजाम कर ले। अगली वीडियो में फिर से सुरेंद्र रिवाड़ी तरुण से लड़की की मांग कर रहे हैं। इस मामले में जब सुरेंद्र रिवाड़ी से प्रतिक्रिया ली तो उनका कहना है कि तरुण के खिलाफ लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला दर्ज है और वह अय्यास किस्म का लड़का है। रिवाड़ी साहब को आपने सुना होगा कि रिवाड़ी कह रहे हैं कि वो महिलाओं की इज्जत करते हैं, लेकिन पहले ऑडियो में वो लड़कियों से डिमांड की मांग कर रहे हैं। रिवाड़ी ने सारे मामले को झूठा करार दिया है और कहा है कि उनके खिलाफ यह एक षड्यंत्र है ताकि उनकी छवि को धूमिल किया जा सके। इस बारे में भाजपा के जिला प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद का कहना है कि उन्होंने भी यह ऑडियो सुनी है और आवाज भी जानी पहचानी लग रही है, फिर भी इस मामले की जांच होनी चाहिए। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद शहर की राजनीति में तूफान आ गया है। विपक्षी पार्टियों को भी बड़ा मुद्दा बैठाने को मिल गया है। देखिए, ये मैंने कल ऑडियो सुना और मैं इस ऑडियो सुन के मैं खुद शॉक्ड हुआ कि मेरे पास तरुण कुमार का नाम का कोई व्यक्ति था, ये 3 महीने पहले आया था, इसको किसी महिला ने कोई तंग किया हुआ था और ये मेरे पास आया था मदद मांगने के लिए। तो मैंने वहाँ पर अपने स्टाफ के जो मेरे लड़के थे मैंने वहाँ भेजे, बल्कि तो महिला इसको वहाँ पर ब्लैकमेल कर रही थी। तो वहाँ पर वो महिला इससे पैसे मांग रही थी, तो उस दौरान इसके पास पैसे नहीं थे और मेरे जो स्टाफ में जो व्यक्ति था उसने बोला पैसे हम लोग दे देते हैं, तेरे पास नहीं है तो हम इकट्ठे करके तेरे को दे देते हैं, तेरी मदद कर देते हैं। तो उसके बाद जो है उस महिला ने इसके साथ समझौता नहीं किया और समझौता ना करके फिर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद उस महिला ने, वो नेपाली किस्म की को महिला है, यहाँ पर बुटीक चलाती है, और इसने उससे पैसे ले लिए। तो इसने मेरे मन में जो है मेरे प्रति ईर्ष्या रखी कि जी मेरे पैसे लग गए इस तरीके के और वो लड़की ने मेरे साथ इस तरीके का काम कर लिया। और मैंने इसको सिरे से ही कह दिया था कि जी मैं केवल जो है सच्चाई पे चलूँगा। और इस व्यक्ति ने जो है 3 महीने पुराना ये केस है और इस तरीके की जिस प्रकार से जो बातें मैंने देखी उस तरीके की मैं बात करता भी नहीं, मैं टोटली हिंदी स्पीक में बात करता हूँ टोटली जितने भी है, और इस तरीके की जो बातें हैं और मुझे खुद भी नहीं लगता कि मेरी आवाज़ है। और ये सरासर मैं मीडिया के माध्यम से और पानीपत की जनता के मैं यही बात कहूँगा, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, चुनाव में विपक्षी पार्टियों को कोई मुद्दा नहीं है, कुछ नहीं है, और ये केवल छवि ख़राब करने के लिए इस तरीके की ये लोग काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार पानीपत में हम लोग, चाहे गुंडा तत्व है, चाहे प्लॉट पर कब्जे करने को लेकर, क्योंकि पानीपत में उन बातों का खुलासा होने वाला है, तो ये सारा का सारा षड्यंत्र के तहत किया गया। और इसके लिए मैं पुलिस में जाऊंगा, पुलिस कंप्लेंट करूंगा, जो भी इसके अंदर षड्यंत्रकारी जो छुपे हुए हैं मैं बिल्कुल इनका पर्दा जो बेनकाब करूंगा। विपक्षी पार्टियों के पास मुद्दा नहीं है ना, क्योंकि उनके पास 25-25 साल तक यहाँ उन्होंने राज किया, उन्होंने यहाँ काम नहीं किए, और हमेशा उनका एक ही रहता है कि जब चुनाव आने वाला होता है तो वो ये देखते हैं कि किस प्रकार
हम लोग ऐसा माहौल बनाएं कि हम लोग रेवड़ी को डाउन करने की सोचें। परंतु पानीपत की जनता जानती है मैं किस तरीके का व्यक्ति हूँ। मेरे घर पे महिलाएं, बुजुर्ग, जितने भी सब लोग आते हैं, मैं उनका पूरा मान सम्मान करता हूँ, पूरी इज्जत करता हूँ। और एक ही बात मैं मीडिया के माध्यम से कहूँगा, मैं पुलिस में जाऊँगा और इसके अंदर जो भी षड्यंत्रकारी जिन्होंने इस तरीके का एक घटिया काम किया है, मैं उनको पुलिस के हवाले करवाऊँगा। मैं खुद कर रहा हूँ ना पुलिस के अंदर जो है जी, और भाई जिन्होंने इस तरीके का काम किया है तो मैं खुद कंप्लेंट करने जा रहा हूँ जो है। वो आपके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे वो, मैं कर रहा हूँ ना जो है जी। कोई भी वकील कोई भी करना चाहे कर सकता है। और इसमें मैंने आपको एक बात बोली कि मैं हिंदी लैंग्वेज में बात करता हूँ, जिस तरीके से मुझे नहीं पता वो किस भाषा में बात बोली गई, और ये सारी की सारी जो है षड्यंत्र के तहत काम किया गया है। और मैं आज मीडिया के माध्यम से मैंने कल भी स्टेटमेंट दी थी इस तरीके की कि जी मैं दूध का दूध और पानी का पानी जरूर करूंगा इसके अंदर। वीडियो वायरल होने के बाद मीडिया के सामने आए सुरेंद्र रिवाड़ी ने कहा कि उनके मोबाइल पर हुई वार्ता से छेड़छाड़ हुई है। रिवाड़ी ने कहा कि शहरी विधायिका के विकास कार्यों से कांग्रेसी नेता परेशान हैं। उन्होंने कांग्रेसी नेता बुल्ले शाह पर अपनी छवि खराब करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वह हर जांच के लिए तैयार हैं और षड्यंत्र कार्यों का खुलासा करेंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी करेंगे। वहीं प्रेस वार्ता में आए तरुण के पिता ने भी अपने बेटे को निर्दोष बताया, जबकि खुद यह भी सुरेंद्र के साथ कबूल किया कि उनका बेटा बिगड़ैल है। ऐसे में यह सामाजिक ड्रामा नजर आने लगा है और आम जनता में नेता अपनी छवि बिगाड़ने में लगे हैं। क्योंकि जो वीडियो वायरल हुई है उसके संदर्भ में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। इसमें पत्रकार बंधु खुल के कुछ भी अगर बात पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। उनकी हर बात का मैं बहुत ही सलीके से और बहुत आदर मान के साथ उनकी बात का मैं जवाब दूंगा। मेरा एक ही आपसे प्रार्थना है कि कोई भी पत्रकार साथी अगर पूछना चाहे तो एक एक करके पूछे तो बेहतर होगा। आपके क्वेश्चन हो सकता होगा लगभग सेम ही होंगे या डिफरेंट होंगे, तो मेरी आपसे प्रार्थना है अगर एक एक पूछेंगे, चाहे दो घंटे बिठाओ चाहे तीन घंटे बिठाओ, आपकी एक एक बात का मैं जवाब दूंगा। तो तरीके की बात आई हुई थी कि सुरेंद्र रेवड़ी ने भाई मेरे स्टाफ ने वहाँ 50,000 रुपये की कोई डिमांड रखी और किसी लड़की की इस तरीके की पेशकश की गई, और इसके साथ साथ ये बोला गया कि भाई जो आवाज़ सुरेंद्र रेवड़ी की है, मैं सारी बातों को इसको सिरे से नकार रहा हूँ। ये केवल राजनीति के तहत एक षड्यंत्र था और जिसका खुलासा आपके सामने में धीरे धीरे सारी चीज़ों का मैं करता जाऊँगा। आप पूछ सकते हैं देखो आवाज़ तो आज की डेट में किसी की भी कोई भी निकाल सकता है, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है। आवाज़ के बारे में कोई किसी के कोई वो नहीं है जी। तो आप कोई भी इस तरीके की बात पूछ सकते हैं। और आज तक मेरी जो एज है 40 वर्ष मेरी एज है, 40 वर्षों के दौरान मैं मीडिया के साथ भी रहा, पानीपत शहर की धार्मिक सामाजिक और इसके अलावा मैं जो है राजनीतिक मंच पे रहा और इसके साथ साथ उद्योग क्षेत्र में भी रहा। इस तरीके की जो कल जो वर्गर जो लैंग्वेज या भाषा का इस्तेमाल जो हुआ है, एक भी मेरे पत्रकार साथी ने मेरे पिछले जो मेरे बीते 20 सालों के अंदर या मेरी युवा अवस्था के दौरान इस तरीके की मेरी कोई भी, तो मैं राजनीति से इससे संन्यास ले लूँगा। जैसे मैंने एक बात बोली थी, कहीं कहीं मेरी आवाज़ है और कहीं कहीं मेरी आवाज़ के साथ छेड़खानी की गई है, और जहाँ मेरी आवाज़ है, जहाँ जिस तरीके की मेरी बात है, मैं तो कल भी मेरी स्टेटमेंट ये थी और भविष्य में भी मेरी स्टेटमेंट यही रहेगी। तो आप कोई भी गाना या फिल्मी गाना कोई आजमाते हैं या फिल्म का कोई शूट भी करते हैं ना, तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर 10-10, 20-20 बार कट कट करता है और कभी पता नहीं चलता कि जी वो फिल्म कटिंग की गई है या कैसे की गई है। ये कोई बात नहीं है, आप इसकी पूरी तरीके से मैं जांच कराऊंगा और पुलिस में भी मैं इसकी रिपोर्ट कराऊंगा भी कौन इसके पीछे छुपे हुए हैं और कौन चेहरे हैं जो इस तरीके की जो हरकत कर रहे हैं। आज मैं मीडिया के सामने बैठा हूँ, बिल्कुल ऐसे बैठा हूँ कि मैं मीडिया के एक एक बात का मैं जवाब देना चाहता हूँ जी। तरुण नाम का जो व्यक्ति है, ये एक लगभग 27-28 साल का एक नौजवान लड़का है। मेरी इसके साथ चुनाव के दौरान कभी राम राम या दुआ सलाम इसके साथ हुई, और आज से ठीक 3 महीने पहले लगभग कोई मेरे ऑफिस में इसका फ़ोन आया कि किसी लड़की ने इसके ऊपर कोई आरोप लगाया है, वो इससे पैसे मांग रही है। तो इसने मेरे को फ़ोन किया कि भैया मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो मैंने अपने ऑफिस के अंदर जो सरबजीत जी जो मेरे पीए हैं, तो मैंने उनको वहाँ पर भेजा था कि आप वहाँ जाकर इसकी जो मदद हो सके इसकी मदद कीजिए। पत्रकार साथियों से मैं ये कहूँगा कि आप उस क्लिपिंग को सुन लो, सरबजीत उसके अंदर ये कह रहा है कि भैया हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं विपिन
और सरब जी तुम्हारी मदद कर रहे हैं, क्योंकि वो लड़की उससे मोटे पैसों की डिमांड कर रही थी और सरब जी ने ये बोला कि मैं तुम्हें जितने तुम चाहोगे मैं तुम्हें हेल्प करके दे देता हूँ। आप पत्रकार साथी अच्छी तरह उस रिकॉर्डिंग को एक बार नहीं दो बार ही सुन लीजिए कि उसके अंदर जो सरब जी ये कह रहा है कि मैं आपकी पैसों की मदद कर देता हूँ। जाकर साइड में जाके उसको सुन सकते हैं। उसने पूछा भी किसको फंसाना है, तो मैंने बोला कि लड़का जो है लड़का ब्लैकमेल हो रहा है, तो आप जाके इसके अंदर जो है ना लड़के की मदद कीजिए। आप उस क्लिप को अच्छी तरह सुनिएगा, अगर मेरी बात में कोई भी फर्क हो तो मैं जिम्मेदार एक पानीपत शहर का व्यक्ति हूँ, मैं अपनी बात पर आज भी कायम हूँ। जी मैं हर जाँच से भाई साहब मैं खुद मुकदमा दर्ज कराऊंगा। एक बात मैं अपने वकील से बात करके और जो जो व्यक्तियों ने जिन जिन व्यक्तियों ने राजनीतिक से तहत जुड़े हुए किस पार्टी से जुड़े व्यक्ति हैं मैंने उनकी नाम सब चीज़ वगैरह नोट भी कर ली है। वो आने वाले टाइम में मैं उसका भी खुलासा करूंगा किन किन व्यक्तियों ने धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के ग्रुप के अंदर ये डाला। वो सारा का सारा राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जो छः व्यक्ति इनके घर पे जाते हैं, इनकी शॉप पे जाते हैं, आप इनकी कॉल डिटेल या इस तरीके की, और ये जो मेरे से फोन पे बात करते हैं वो भी आपको सारी की सारी हम रिकॉर्डिंग दे देंगे उस चीज की। मैं बता रहा मैं साजिश के तहत बिल्कुल, और जब वो पुलिस उनको उठाएगी या बातचीत करेगी अगर किसी व्यक्ति को जबरदस्ती उठाकर कुछ भी काम करवा सकते हैं। ये रिम्मी वही लड़का है जो पीछे 50 दिन जेल भी रह के आया था, और दूसरा ये कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति है, और ये किसके इशारे पे चल रहा है काम, और इसके साथ साथ जो राजेश सैनी है ये यूथ कांग्रेस का पूर्व प्रेसिडेंट है, और ये बुल्ले शाह जी का नज़दीकी है जो पूर्व में रोहिता रेवड़ी जी से चुनाव हार गए थे बुल्ले शाह जी। ये सारा का सारा राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है, और इसके साथ साथ जो इनकी शॉप के अंदर मनीष अहमद अंसारी जो पहुँचा वो मुस्लिम समाज का एक नेता है, अपने आप को कांग्रेस पार्टी का भी वो एक साथी कहता है, और इसके साथ साथ जो व्यक्ति और पहुँचे जो गगन सेठी वो भी अपने आप को कांग्रेस पार्टी का एक नेता, उसकी फेसबुक आईडी से आप ले सकते हैं। ये हुड्डा सेक्टर 12 का रहने वाला है, और इसके साथ साथ जो बबली नाम के जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं मैं उसको नहीं जानता, और एक अन्य व्यक्ति को मैं नहीं जानता। ये बिल्कुल मेरा यही कहना है एक मिनट जी, और ये सारे के सारे ये जो छः आदमी हैं, और ये छः जो आदमी हैं ये बुल्ले शाह जी से जुड़े हुए हैं। वीडियो भी आ रहा आपका क्या? हाँ, वो लड़का खड़ा था थाने में खड़ा था और सरबजीत ने उसके नंबर से फोन पे बात की जो है जी। वो सरबजीत का मोबाइल नंबर नहीं था, वो उस लड़के का मोबाइल नंबर था। मेरे बेटे को सरासर फंसाया जा रहा है। परसों रात को 12 बजे करीब कोई सेंट्रो गाड़ी आई, उसको लेके चली गई। उसके बाद कल फिर दो बंदे आए, जिसका एक रिमी शर्मा था, एक रजेश सैनी था। वो कल आए मेरी वाइफ से बात करने के लिए कि आप मेरे बेटे अपने बेटे से बात कर लो। मेरी वाइफ परेशान हुई बढ़िया, उनसे मेरी बात नहीं हो रही है। और रात को जो आए थे रिमी शर्मा और रजेश सैनी, वो बोलते हैं मेरे को आप चिंता कर मत करो मैं बैठा हूँ। मैं बोला बैठा हूँ किस लिए बैठे हो, मेरे को बात तो बताओ, बात के हुई क्या है? जब आप बात ही नहीं बताओगे मेरे को कैसे पता चलेगा? जब उन्होंने बात बताई भाई ना लड़का हमारे पास है कि आ जाएगा तो फिर कहाँ गया? सुबह क्या हुआ 12:15 बजे मेरे पास 6 आदमी आए, 6 आदमी में से जो कि राजेश सैनी, उसके बावजूद आपकी बलिवार गगन सेठी के बाद क्या नाम है उसका, एक कुलदीप जी है XMC वो, और मुनीश अहमद अंसारी दो और थे और बाहर भी कुछ खड़े हुए थे। उन्होंने मेरे को कहा आप चिंता मत करो तरुण को बुला देते हैं। मैं कहा देखो जब तक आप तरुण को नहीं बुलाओगे तो मैं उसके आगे बात जब तक करूंगा नहीं तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? मेरे को कोई कुछ नहीं बता रहा है, और हमारे सुरेंद्र जी की रोहित रेवड़ी की इतनी छवि खराब करने को लगे हुए हैं, और हमारा लड़का अंदर करके रखा हुआ है, ना बाहर ला रहे हैं ना कुछ भी कर रहे हैं, हम लोग को परेशान करके रखा हुआ है, हम किधर जाएं आप बताओ मेरे को। पहला नंबर तो आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, पहला नंबर जायदाद से बेदखल हमारे पास जायदाद ही नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि आपने बेदखल किया हुआ है हमने, और हम उसको कोई पैसा भी नहीं देते। ठीक है बेदखल क्यों किया था? गलत काम करता था।
पानीपत से मदन बरेजा की रिपोर्ट, हर न्यूज हरियाणा।